हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए कमाल के बेहतरीन वीडियो में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे गुजरात जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में। दोस्तों एक फैंटेसी लवर को जो चीजें चाहिए होती है रैंक वन लाने में, यह कह सकते हैं अच्छा रैंक लाने में, या इसको भी कह सकते हैं अच्छा पैसा कमाने में, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि रैंक वन आए तभी हम अच्छा पैसा कमाएंगे। रैंक 100 में भी आता फिर भी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जो कि कहीं नौकरी करने पर उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज इन्हीं दोनों टीमों के बीच में दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। अगर डेट की बात करें तो 11 मार्च और नवा मैच है दोस्तों ये। ठीक है, बैक टू बैक हमने कवर किया हर मैच को, किसी को नहीं छोड़ा है, और जितना इसका मैच होगा सबको कवर भी करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन आज ही कर लीजिए। ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो 7:30 बजे दोस्तों ये मैच खेला जाएगा, डे पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई में दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। तो आइए दोस्तों पूरा डिटेल्स कर सकते हैं, डेथ ओवर से लेकर स्टार्टिंग ओवर तक हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 का रिकॉर्ड, कौन क्या मारा है, कितना मारा है, चार मैच का एनालिसिस, पिछला जो चार मैच हो चुका है आखिर इस स्टेडियम पे हुआ क्या है, पिच रिपोर्ट कह सकते हैं क्या क्या बताए यार, इतना याद नहीं था जब तक इसमें है। ठीक है, तो सब बताएंगे। ओके, बस यही बोलूंगा कि बोहनी बट अपना सही से स्टार्ट करिए, बोहनी करिए एक लाइक करके। ठीक है, ये अपना वीडियो का बोहनी, ये मतलब वीडियो के भाषा में बोहनी इसको कहते हैं, जैसे दुकान के भाषा में होता है। ठीक है, तो बोहनी अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। धुआंधार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हर प्रोडक्शन दोस्तों, एक ही नहीं हर प्रोडक्शन, इसलिए बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन आज करिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों प्रोडक्शन के साथ साथ आपको टीम भी दिया जाता है, वही बिल्कुल फ्री, कहीं पर किसी चीज के लिए मैं पैसे आपसे नहीं लेता। अगर कोई हमारे नाम से पैसे ले रहा है आपसे, समझ लेना मैं वहां पर नहीं हूं। ओके, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, मैं बस लाइक बोलता हूं करने के लिए, ये जबरदस्ती हुर हुर के बोलता हूं करिए करिए करिए, मगर पैसे नहीं मांगता। ठीक है, ये अपने अंदर खासियत है। तो यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करना, कैसे करना आपको मोर यहाँ पर देखिए दिखाई देगा आपको, वीडियो जैसे देख रहे अपना जस्ट जो कर लिया उसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जो नहीं किया मोर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखिए दो लिंक दिखाई देंगे टेलीग्राम का, बहुत बोल लोग बोलते हैं ना भैया टेलीग्राम का लिंक है कहाँ, ज्वाइन कैसे करें, अरे भाई यही तो है, यही तो है, मोर पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम का लिंक है, ऐसा ओपन हो जाए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना इस टाइप का ओपन होगा, उसके बाद जैसे ही ये ओपन होता है दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन का ऑप्शन दे रहे हैं, इस पर बस क्लिक कर दीजिए। मगर हाँ, एक टेलीग्राम आपके पास होना बहुत जरूरी, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। आप सोचेंगे भाई हमारे पास व्हाट्सअप है हम टेलीग्राम में जुड़ जा करके, तो नहीं होगा, पहले टेलीग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ टेलीग्राम को ज्वाइन करने का ऑप्शन है दोस्तों बस। ठीक ना, ऐसे ज्वाइन करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए टीम जो दिए जा रहा है, ये सब टीम आप लोगों को फ्री सेवा में दिया जाएगा इस चैनल पर दोस्तों बस, और कुछ नहीं इसमें ज्वाइन करने का प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कह सकते हैं यही सब बस, जो मैच से जुड़ी हर चीजें होती है जानकारी, टॉस वोस माथा पीछे जो भी है सब टेलीग्राम पे। ठीक है, और कहीं व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कहीं हम टीम नहीं देते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम सबसे बात जरूर कर लेते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सब जगह पिन किया हुआ, जो जो लिंक होती हैं जाइए एक बार चेकआउट कीजिए। चलिए डे पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई, पिच एनालिसिस की बात करें दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा पिच एनालिसिस, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, यहाँ से आपके 50% जीतने के चांस बढ़ जाते हैं, पता चल जाता है ना कि है क्या चीज यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एवरेज रिकॉर्ड की अगर बात करें, स्कोर जो होता है दोस्तों 150 से 170 है, हाईएस्ट स्कोर 211 है, लोएस्ट 64 है, लोएस्ट भी जाता है, वाह क्या बात है यार, लोएस्ट 64 पे ऑल आउट टीम हो जा रही है, तो जानना बहुत जरूरी है पिच के बारे में, जो ना जानेगा क्या पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि 211 हाईएस्ट जा रहा है, मतलब ज्यादा रन नहीं बन रहे यहाँ पर, और लोएस्ट 64 पे भी खत्म हो जा रहे लोग। पिच सुटेबल फोर किसको कर रहा है, हेल्प बैटर को ही कर रहा है पिच यहाँ पर भी दोस्तों। ठीक है, ज्यादातर बैटर को देखा गया, हालांकि यहाँ 64 पे जब 10 विकेट गिर गया तो बॉलिंग को भी कर रहा है ऐसा नहीं है, मगर ज्यादातर बैटर को देखा, ये समझ में आ जाएगा अभी अगला वीडियो जब देखेंगे अपना, देखते जाइए बस सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ देखिए बेन्नू T20 स्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्या है स्टैटिक्स, मतलब कि वुमेन का स्टैटिक्स यहाँ देख सकते हैं, वुमेन है। ठीक है, मेन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल मैच यहाँ पर 6 हुआ है, फर्स्ट बैटिंग वॉन 2 किया है, टू एंड बैटिंग वॉन 4 किया है, मतलब जो दूसरा बार बैटिंग करने आया दूसरा पारी में वो जीत गया 4 बार, और 2 बार इसमें पहला पारी वाला भी जीता है। स्कोरिंग पैटर्न दोस्तों कुछ आपको इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। उसके बाद चलो मैं अगला वाह 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 क्या बात है भाई, रिसेंट मैच एट वेन्यू, अब देखिए ये भी मिल गया आपको पिच रिपोर्ट में दिखाया आपको, अब रिसेंट मैच जो हुआ 4 था ना, 1 2 3 4 चारों का बता रहा हूँ, कब कब क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ, सही से समझिएगा इस चीज को, पॉइंट को सही समझिएगा, मेरा कहना ये है। ठीक है, देखिए 9 मार्च को खेला गया मैच है, क्या बात है, तुरंत का मैच, तुरंत ताजा मैच खेला गया। यहाँ पर डीसी वुमेन 105 पे 10 विकेट गिर गया, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 18 ओवर में ऑल आउट, ध्यान से देखिएगा 18 ओवर में ऑल आउट हुआ यहाँ पर।
एमआईयू में 109 रन, 2 विकेट गिराया है और 15 ओवर खेल करके 109 रन हासिल कर लिया। मतलब इससे क्या समझ में आया कि फर्स्ट में भैया 10 विकेट गिर जा रहा है, ठीक है, पहला बार में। अब इसी में क्या हुआ, देखिए फर्स्ट पेस 4 को पेस ले गया तो स्पिनर 6 विकेट लेकर के गया है। टू एंड पेस की अगर बात करें, दूसरा में जो आया बॉलिंग करने वो की बात करें तो वो देखिए 1 ले गया पेस तो 1 स्पिन ले गया, जो यहाँ पर 2 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये कौन ले गया, तो ये मुंबई वाला ले गया, ये ले गया, ये आया ना, देखिए अभी मैं ग्रीन करके दिखा, थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, आज तक मैंने इतना समझाया नहीं है इसको, थोड़ा क्लियर करता हूँ क्योंकि मैं बताता हूँ जरूर हमारे लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, ऐसा तो समझ में सबको आ ही जाता, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। जैसे ये फर्स्ट आया करने, ठीक है, फर्स्ट में आया ना ये ना, तो इसको क्या है, ये जो है फर्स्ट में ये बॉलिंग कर रहा था उस समय, ठीक है, ये बैटिंग कर रहा था ये फर्स्ट में, तो ये बॉलिंग कर रहा था, ये जब बॉलिंग किया है तो 10 विकेट लिया है यहाँ, ठीक है, ये 10 विकेट, ठीक है, हरा वाला जा रहा है, 10 विकेट लिया है, मगर जब इसका नंबर आया बैटिंग करने का मुंबई इंडियन का, तो ये बॉलिंग करने आ गया, क्या ये बॉलिंग करने आया, तो यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, जब बॉलिंग किया ये तो 2 ही विकेट गिरा है, ठीक है ना, क्या है 2 ही विकेट गिरा, मतलब लेके जाने में किसका फायदा था, इसका हमको अगर इस टीम में 2 हमारे बैट्समैन रहते ना खाली इस टीम से, बाकी जितना 10 विकेट लिया सब बॉलर रहता है इसका, ये वाला का एमआई इंडियन का, तो हम इस मैच को विन कर लेते, ठीक है, इसलिए हम ये चीज बताते हैं कि ऐसे लोग हिसाब से टीम अपना बनाएंगे क्योंकि यार 2 ही विकेट गिरे, ठीक है, ऐसे बनता है, इसका मतलब यही है फर्स्ट सेकेंड का, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलिए इसमें आते हैं, 5 मार्च को दोस्तों ये खेला गया है, गुजरात का दोस्तों वुमेन का समय, ठीक है ना, याद रखिएगा 169 6 विकेट 20 ओवर खेल करके दोस्तों, यूपी मतलब कि डब्ल्यू का मतलब ये वुमेन का, सॉरी डब्ल्यू फाब्लू कहाँ से आते हैं, वुमेन है, ठीक है, 175 7 विकेट गिर गया है और 19.5 ओवर में ये भी मतलब मैच को जीत लिया दोस्तों, सेकंड मतलब बैटिंग करते हुए, फर्स्ट पेस में 2 स्पिन में 4 और टू एंड पेस में 7 और स्पिन में 0 ले गया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, फर्स्ट में क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 विकेट यहाँ पर गिराया था, हालांकि मैच जीता है ये, मगर यहाँ पर क्या है कि 7 विकेट गिराया मगर मैच को जीता है यहाँ पर, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, तो विकेट और बैट कैसे लेना है इस चीज से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो, 2 और देख लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। तो ये देखिए 7 मार्च को खेला गया, सब रिसेंट का, ये 9 मार्च, ये 5 मार्च, ये 7 मार्च, ये डीसी वुमेन 211-4-20, ठीक है, यूपी यहाँ का बात करें, यूपी वुमेन का तो 169-5-20, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी वो चीज हुआ, ठीक है, डीसी वुमेन जो है 169 रन बाहर हमारा हुआ दोस्तों इसमें, और यूपी वुमेन और डीसी वुमेन 211, मतलब पहला बैटिंग करते हुए 5-7 तारीख को ये जीत गया मैच को, 4 विकेट गिरा है, 5 विकेट यहाँ नीचे गिरा है, ठीक है, इसमें क्या है फर्स्ट पेस अगर ले गया तो 2 ले गया है, फिर 2 स्पिन भी ले गया है, टू एंड पेस में 2 ले गया है और 3 स्पिनर ले गए। अगर 4 मार्च को खेला जाए दोस्तों देखा जाए तो एमआई वुमेन का मैच दोस्तों 207-5-20 और गुजरात का अगर बात करें 64 पर 10 और 15.1 ओवर में ही सेवा समाप्त हो गया। फर्स्ट अगर पेस की बात करें 0 है स्पिन में 5 ले गया है और टू एंड पेस की बात करें 3 है स्पिन में 6 ले गया दोस्तों। स्पिनर दबदबा थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ तक देख करके जो रिकॉर्डेड है, ठीक है, हालांकि पेस भी ले गया ऐसा नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर जो अच्छा क्वालिटी का पेस वगैरह पेस भी है स्पिनर भी है, मतलब बॉलिंग को सुटेबल है ये पिच भी, ठीक है, मगर हाँ रन भी बन रहे क्योंकि ये 4 विकेट खो करके 211 रन, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों ये क्या नीचे गड़ते रहता है यार, 6 विकेट यहाँ पर देख सकते हैं 6 विकेट में 169 यहाँ पर गया है, ठीक है, यहाँ पर अगर 4 विकेट और 6 विकेट 10 ओवर 2 विकेट में ही 109 रन भी चला गया यहाँ पर दोस्तों, तो मतलब बॉलिंग और बैटिंग दोनों को कह सकते हैं पीछे सपोर्ट करने वाला है किस हिसाब से उस दिन खिलाड़ी खेलते हैं। यहाँ पर देखिए 5 विकेट खो करके भी 207 रन बन चुका है, 207 रन दोस्तों वुमेन में बनना कुछ कहलाता है, ठीक है, इसलिए दोनों को लेकर चलना पड़ेगा अपने को तभी काम बन पाएगा हिसाब से, मगर हाँ ये चीज देखने वाली है कि फर्स्ट में कितना गिर रहा है सेकंड में कितना गिर रहा है, आपको इस हिसाब से अपना टीम में जगह देना पड़ेगा खिलाड़ी लोग का, ये नहीं कि आप 7 को बैटर ही ले लिए यहाँ पर 5 को विकेटें गिर रहा है, 2 विकेटें गिर रहा है, तो आपका 3 बॉलर बैटर जो है बेकार हो जाएगा एक्टिव टीम से अगर लेंगे तो, खाली ऐसे ही बैठा रह जाएगा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये चीज को आपको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से करके, ये चीज भी बना के मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ दोस्तों अपना टीम, ठीक है, आप चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा देखने को, हम ये नहीं बोलते दोस्तों कि कॉपी करिए आप उसको आकर के, एक आइडिया ले लेना बनता है कि भाई आखिर किस टाइप का ये टीम बना, ठीक है, कैसे बनाया गया, सब तो वही लेते हैं ना, 11 खिलाड़ी आप भी लेते हैं हम भी लेते हैं दुनिया सब 11 खिलाड़ी लेते हैं, उसी में से कोई टीम अच्छा चलता है कोई खराब चलता है, क्यों यही तरीका, इसको समझना पड़ता है दोस्तों, ये जो नीचे है ना इसको आप जब तक समझेंगे नहीं ना इस चीज को ना, तब तक आप सही से टीम नहीं बना पाएंगे, उसी हिसाब से अपने को टीम
बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट में है पॉसिबल प्लेइंग 11 गुजरात जायंट्स का, ये आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। इसके बारे में एक एक बार का डिटेल बात करता हूँ दोस्तों, एक एक खिलाड़ी का, ठीक है। देखिए एक एक खिलाड़ी का अगर नंबर आता है तो यहाँ देखिए स्टेटस, यहाँ देख सकते हैं शबनमी मेघना की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं राइट हैंड बैटर है, 3 मैच है 34 रन है, 11.33 के एवरेज स्कोर है। हमने नाम स्टार्टिंग में पॉसिबल प्लेइंग 11 का इसलिए नहीं लिया कि दोबारा फिर मेरे को लेना ही है तो क्या फायदा टाइम पास करने से, है ना, इसलिए मैं नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हेड टू हेड बात करें तो कुछ भी नहीं, इनका वेन्यू पे 2 मैच के लिए 26 रन है, 13 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 8, 24, 2, 20 नबाद यहाँ पर नहीं खेले, ठीक है मेघना, ओके। दूसरा नंबर पे अगर आती है यहाँ पर देख सकते हैं सोफी डंकी, भाई डंकी का अगर बात करें तो राइट हैंड बैटर है, अरे कहाँ गया रे भाई, और इधर राइट हैंड बैटर है, लेग ब्रेक है दोस्तों, ये 2 मैच है, स्टेटस है ये WPL का, 78 रन है, 39 एवरेज स्कोर है, 39 का अच्छा एवरेज स्कोर है, ठीक है। हेड टू हेड है भाई कुछ भी नहीं है, वेन्यू की बात करें तो 1 मैच है 13 रन है और 13 एवरेज स्कोर है, हालांकि इस वेन्यू पे एवरेज स्कोर जो है ना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है 13 का, ठीक है, मगर हाँ ये WPL में अगर बोलो तो एवरेज स्कोर ठीक ठाक है 39 का, ओके। रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों तो 65, 13, 28, 2, 10, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर तो बहुत अच्छा आया, और देखने वाली बात है कि इस मैच में क्या होता है इनके साथ में, ठीक है, ऐसा ना कि ये दोहराया चाहे चला जाए जो पीछे दिखाई दे रहा है अपने को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरलिन देवल राइट हैंड बैटर राइट आर्म ऑफ ब्रेक है दोस्तों, 3 मैच है 113 रन है, 34.66 का इकोनॉमी है दोस्तों, ये एवरेज बोल सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमी नहीं बोलेंगे, ठीक है एवरेज है ये। हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 2 मैच है 64 रन है, 23 का मतलब एवरेज स्कोर है इनका। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 67, 46, 0, 46 बड़ा अच्छा है दोस्तों, कह सकते हैं रिकॉर्ड है महिला क्रिकेटर के नाम पे दोस्तों, ठीक है, महिला में इतना अच्छा रिकॉर्ड है तो बहुत अच्छा है, देवल को लेकर चल सकते हैं, हालांकि अगर बैटिंग इनको सही टाइम में मिल जाए तो और भी अच्छा रन मारेंगे, ओके, अगर विकेट स्टार्टिंग में गिर जाए तब। तीन देखिए यहाँ पर असलिंग कार्नर की अगर बात करें तो राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, 3 मैच है 44 रन है, 4 विकेट है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 4 मैच है 25 रन है, 2 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 19 पे 3 है, 25 पे 0 है, 0 पे 1 है, 29 पे 1 है, 31 पे 2 है, दोस्तों लेके चलने के लायक, आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं इनको, ठीक है। अगला नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एनेबल सदरलैंड की बात करें, राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है दोस्तों, ये 3 मैच खेली 28 रन है, 3 विकेट ली हुई है, ठीक है WPL में। हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 4 मैच है 41, 14 रन है, 3 विकेट है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 14 पे 2 विकेट है, 8 पे 1 विकेट है, 6 पे 0, 0, 1 विकेट। दोस्तों आप इनको चाहे तो बॉलर के तौर पर लेकर चल सकते, ठीक है, हालांकि एक तरफ से ट्रंप प्लेयर भी रहने वाले हैं, देख के मेरे को अंदाजा लग रहा है कि ट्रंप प्लेयर इस मैच में रहने वाले, जीएल के लिए आप ट्राई कर सकते हैं इनको, ठीक ना, ध्यान दे दीजिएगा। चलिए अगला मैं अगर बात करें यहाँ पर आजा भाई, अगला नंबर यहाँ पर ये देख सकते हैं डी एम लथा, तो यहाँ पर राइट हैंड बैटर है, 3 मैच है 66 रन है, 66 का ही एवरेज स्कोर है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू की बात करें 2 मैच है 50 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस, हालांकि ये 66 गलत यहाँ पर लिख करके आ गया, ठीक है, एवरेज इसको 66 नहीं हो सकता, 22 का हो सकता है जब 3 मैच में 66 बना है तब, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 16, 21 नबाद, 29 नबाद, 4 और 0 रन है दोस्तों इनका। चलिए अगला, इन लोग का मेन बात है क्या, बैटिंग बहुत लास्ट में है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फंस जाता है, बैटिंग स्टार्टिंग है ना तो कुछ मिल सकता है, स्टार्टिंग विकेट गिर गया तब 2, 3, 4 विकेट गिर गया तो हो सकता है हेमलता लोग का नंबर अच्छा खासा आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एस वर्मा, तो यहाँ पर राइट हैंड बैटर है, 2 मैच है 14 रन है, 14 का एवरेज स्कोर है दोस्तों, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू की बात करें तो 1 मैच है 9 रन है, 9 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है तो 5, 9, 9, 13, 6 कुछ भी खास उतना नहीं है दोस्तों, ठीक है वर्मा के अंदर में। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर इसने राणा की बात कर, राइट हैंड बैटर राइट आर्म ऑफ ब्रेक है दोस्तों, ठीक है, 3 मैच है 12 रन है, 2 विकेट है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू की बात करें तो 2 मैच खेली है, 10 रन है दोस्तों यहाँ पर, 2 विकेट भी लेके गई है, 2 पे 0 है, 9 नबाद पे 0 है, 1 पे 2 विकेट है, 11 पे 0 है, 2 विकेट है दोस्तों। तो राणा को आप दोस्तों एज ए जीएल ट्राई कर सकते हो, वो भी रिस्क प्लेयर लेकर के, ठीक है, रिस्क में लेकर चल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है ये लोग का, कब मरा हुआ होता है ना मुर्दा वापस ऊपर खड़ा हो जाए कोई पता नहीं, उस टाइप का हाल है, ठीक है। किम गर्थ राइट हैंड बैटर राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 2 मैच है 5 विकेट लिया हुआ है,
नौ का इकोनॉमी है दोस्तों, इस तरीके का इकोनॉमी हालांकि ज्यादा है मगर ठीक है, विकेट भी लिया हुआ 5 हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है। वेन्यू की बात करें तो 3 मैच है, 6 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-5-0-0-1 विकेट है दोस्तों, ठीक है, तो लेके चलने के लायक है, देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इनको क्योंकि ये जब भी ले रही है बल्क मात्रा में विकेट ले रही है, इसलिए सही है थोड़ा सा। ओके, अगला नंबर अगर बात करें मानसी जोशी, तो मानसी जोशी यहाँ पर राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम में दोस्तों 3 मैच है, 2 विकेट है, 8.20 का इकोनॉमी है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है। वेन्यू पे 2 मैच खेली है, 1 विकेट है दोस्तों। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 मैच है, एक विकेट, जीरो विकेट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला नंबर अगर लेके चले यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर तनुजा कनवेर, ठीक है, राइट हैंड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 3 मैच है, 1 विकेट है, 6.90 का इकोनॉमी है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है। वेन्यू पे 2 मैच है, 1 विकेट लिया, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0-0, क्या है, खतरनाक रिकॉर्ड वाले प्लेयर देखने को मिलते हैं भाई इसमें। WPL में एक चीज देखा गया, जो चल रहा वही चल रहा जो नहीं है वो नीचे ही, तो नहीं नीचे, मतलब दो भाग में डिवाइड हो गया, कुछ खिलाड़ी अलग बी ग्रुप में है तो कुछ ए ग्रुप में, कोई मतलब मिक्सअप टाइप का चल ही नहीं पा रहा, ठीक है। ये कुछ आपको बेंच प्लेयर दिखाई दे रहे दोस्तों, आप इनको पारापारी ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। बेंच में अगर वो ना खेले तब ये आ सकते हैं, मगर हाँ एक चीज बोलूंगा कि भाई इसमें से बेंच में से अगर आती है तो ये थोड़ा सा ध्यान मतलब कि लेने के लायक रहेगी, ठीक है। अगला नंबर अगर बात करें, जो भी होगा जैसा भी होता है, हम अपडेट आपको टेलीग्राम पर जरूर करेंगे, ठीक ना, ध्यान रखिए, बस टेलीग्राम को आप डाउनलोड करके या सॉरी उसमें ज्वाइन करके रखे रहिए। देख सकते हैं दोस्तों स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर के बॉलिंग की अगर बात करें, जो मतलब पहले बॉलिंग कौन कराने आया, लास्ट में बॉलिंग कौन कराने आया, देखिए किम गर्थ है, तनुजा कन्वेयर और एसलिन गार्डनर एनेबल सदरलैंड, ठीक है, ये स्टार्ट करते आएंगे, एसलिन गार्डनर और एनेबल सदरलैंड, स्नेह राणा, तनुजा कन्वर, ये आपको डेथ में करते आएंगे, ठीक है, दोनों आपको मैंने बता दिया, इसमें से ही आप बॉलिंग और बैटिंग के लिए चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है बल्लेबाजी, एक बड़ा फायदा चाहने वालों के लिए दोस्तों, एक नंबर का चीज कह सकते हैं बल्लेबाजी, देख सकते हैं इतना सारा क्वाइन वगैरह बीबी क्वाइन सब दोस्तों आपको मिलता है, ठीक है, इंस्टेंट विनिंग, तुरंत भर में आपको विनिंग मिलता है हर कुछ यहाँ पर, वो चीजें जो है ना दोस्तों मैं क्या बताऊं, ऐसे चीजें थार वार गाड़ी बुलेट सब आपको मिल रहा है दोस्तों रिवार्ड के तौर पे, और कुछ भी नहीं है, मार्च रिवार्ड इतना सारा देख सकते हैं आप, अगर टेबल देखेंगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगे क्या क्या रिवार्ड है क्या नहीं इसमें, ठीक है। जरूर बल्लेबाजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप जाके फट से डाउनलोड कीजिए, जैसे कि मैं खेलता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखें यहाँ पर क्या क्या है, हम तो दे रहे हैं, क्या आप क्लेम करेंगे तब तो मिलेगा ना, क्लेम करिए, खेलिए, इसमें हर कुछ वहां पर क्या मिलने वाला, कोई 1 साल 2 साल 3 साल तक खेल रहा है क्या, कुछ मिल गया क्या, कुछ नहीं है, जब पैसा ही ना कमाना है यार, पैसा इसमें भी हम कमा सकते हैं उसमें भी कमा सकते हैं, यहाँ कमाएंगे पैसा साथ में ये सब भी कमाने का मौका है, क्लेम करिए आप ना, डिपॉजिट करिए, खेलिए, हारिए जीतिए उससे क्लेम करिए, उसमें आपको पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। कोई भी गेम में क्या हो रहा है, हार चाहे जीत तो होना ही होना, बीच में तो रहना नहीं है कि नहीं भाई नहीं बीच में रहेंगे हम, हार जीत इसमें भी होना, आपको कुछ भी नहीं है इसमें, क्लेम कीजिए मिलेगा पैसा, देख सकते हैं यहाँ पर 99 रुपये में लीग मिल रहा है दोस्तों, मार्च 99 8000 अगर करते हैं डिपॉजिट तो आप इसमें यूज वैल्यू 3-3 टाइम के लिए दोनों दिया हुआ दोस्तों, एक्स्ट्रा 3% बोनस बहुत तरह का दोस्तों, 3% रियल कैश भी आपको मिल रहा है, जो आप मतलब डाल रहे उसमें पैसा ऐड कर उसमें कैश भी आपको मिल जा रहा है, बहुत सारे कह सकते हैं, मैं तो मतलब खुश हो गया भाई इस चीज़ से कि इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ ना, कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोच रहा है ये चीज़, मगर वो जो बड़े बड़े फैंटेसी एप्लीकेशन वो सोचते नहीं है, जा वो बस अमीरों के लिए है भाई, लगाओ SL3 2 लाख 3 लाख का, 5 लाख निकालो, हम कहाँ 2 लाख 3 लाख लगाने वाले भाई, हमको इसी से निकालना पड़ेगा ना, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000 ऐसे लगा के बस खेल के निकालना पड़ेगा, हाँ जब हो जाएगा तब हम लगाएंगे, हम भी साले को देख लेंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप जरूर इसको डाउनलोड कीजिए, मैं तो बताऊंगा यही लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, 50 रुपये खेलने को भी आपको मिल जाते हैं आराम से आप खेलिए। अब प्लस में सबसे बड़ी बात की WPL का कितना सारा मैच इसमें फ्री है, ये भी मैच जो मैं कवर कर रहा हूँ ये भी फ्री में आप इसमें जाकर के खेल सकते हैं, जाइए 3-3 लीग फ्री में खिलाता है, प्लस में वॉच घड़ी ये सब ब्लूटूथ वगैरह क्या क्या इसका भी आएगा, जीतते हैं तो ये भी मिलेगा, सिर्फ 2 रुपये में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है दोस्तों, आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल का प्लेइंग 11 है, ठीक है, ये कुछ 11 प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप चलते हैं इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं 11 प्लेयर के बारे में, ठीक है, क्या क्या है, तो देख सकते हैं सफाली वर्मा राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, 3 मैच है, 103 रन है, 34.33 का एवरेज स्कोर है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है। वेन्यू की बात करें तो 4 मैच है, 74 रन है, 18.50 का एवरेज स्कोर है, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 2-17-84 नबाद ने 84 रन है, 9 और 24 मतलब 1-2 तीसरा में मारी है, 84 रनों के बाद 2 फिर से फ्लॉप हुई है, तो सफाली वर्मा का चांसेस इस बार बनता है, आप चाहे तो इनको लेकर के
चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन चलना का चलिए लेकर के हम तो बोलेंगे, जीएल टीम में इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेघ लेंगे में बात कर दोस्तों, तो यहाँ पर राइट हैंड बेटर है, 3 मैच है, 185 रन है, 61.66 का एवरेज स्कोर है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है। रिसेंट में अगर वेन्यू की बात करें, 2 मैच है, 113 रन है, 56.50 का एवरेज स्कोर, रिसेंट परफॉर्मेंस 43, 70, 72, 10, 49, 90, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दोस्तों। एसएल जीएल दोनों जगह आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर की अगर बात करें मरजाने कप की, तो राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म मीडियम है, 3 मैच है, 57 रन है, 1 विकेट है, 8 विकेट में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 2 मैच खेली है, 18 रन है, 1 विकेट है दोस्तों। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 पे 0 है, 16 पे 1 है, 39 नबाद पे 0 है, 11 पे 2 है और 27 नबाद पे 0 है दोस्तों। मरजाने कप पे बड़ा बेकार सिस्टम आजकल चल रहा है, न रन दे पा रही है न विकेट ले पा रही है, ठीक है, मगर हाँ रिस्क है भाई, कब चल जाए कोई पता नहीं, इसलिए ट्राई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जेर और रोडर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो राइट हैंड बटर है, 3 मैच है, 81 रन है, 81 एवरेज स्कोर है, ये भी दोस्तों गलत यहाँ पर छाप दिया, 81 का एवरेज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। हेड टू हेड में बात करें, यहाँ पर तो वेन्यू पे कुछ भी नहीं है, हेड टू हेड पे कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 4 मैच के लिए 63 रन है, और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 25, 34, 22, 43, 11 अच्छा प्लेयर है दोस्तों, कह सकते हैं क्वालिटी प्लेयर है, आप इनको लेकर चल सकते हैं आँख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनका लाइनअप भी सही है, 2-3 नंबर पर खेलने के लिए आएगा, अच्छा ही है। एक कैप्सी की बात करें तो राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, 3 मैच है, 27 रन है, 3 विकेट है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू की बात करें 2 मैच है, 27 रन है, 1 विकेट है दोस्तों। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 पर 1 विकेट, 21 पर 0 विकेट, 2 विकेट और 0 6, ठीक है, ये आपका एक कैप्सी का हाल चाल है दोस्तों। तो लेकर चल सकते, एक कैप्सी कब बड़ा धमाका कर रहे दोस्तों कोई पता नहीं है, तो आप इनको जीएल में भी ट्राई अपना कर सकते हैं, ठीक है। जे जॉनसन के बाद, हाँ एक चीज और, जीएल एसएल के बारे में एक भाई पूछ रहे थे कि जीएल एसएल है क्या चीज। देखिए जीएल एसएल, जीएल में क्या है, बहुत बड़ा लीग होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें खेलने आते हैं। एसएल में क्या है, कम लोग आते हैं, तो कम लोग के साथ आपको फाइट करना होता है, तो कम लोग में हम टीम ऐसा बनाते हैं कि जो परफेक्ट चलने के लायक टीम हमारा हो, ठीक है। मगर जीएल में क्या है, थोड़ा सा रिस्क लेकर टीम आता है, क्योंकि रिस्क रहेगा तभी काम हो पाएगा, क्योंकि 30 लाख 40 लाख कुछ भाई रहता है लोग उसमें, कौन क्या लिया है कुछ भी, अगर रिस्क नहीं लेंगे आप, सब लेंगे कन्फर्म वाले, तो सब तो वैसे ही लेके चलेंगे, आधा से ज्यादा लोग वैसे ही लेके चलते हैं, तो आप थोड़े जीत पाएंगे, सब बराबर में रहेंगे, ठीक है। इसलिए एसएल और जीएल का डिफरेंस यही है कि उसमें कम होते हैं लोग, इसमें ज्यादा होते हैं। एसएल आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा खेल सकते हैं, जीएल में कम पैसा खेल सकते हैं, ठीक है, 49 में ही कम हो जाता है जीएल का, ये सब फायदा है दोस्तों। अब देख सकते हैं जेस जॉनसन की अगर बात करें, लेफ्ट हैंड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 3 मैच है दोस्तों, 44 रन है, 3 विकेट है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू की बात करें 3 मैच के लिए 44 रन है, 3 विकेट 7 में लेके चलिए, रिसेंट परफॉर्मेंस 2 पे 0, 42 पे नबाद 3 है दोस्तों, 0 और 1, 1, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जिस दिन अच्छा चलती है नबाद भी रहती है, 3 विकेट भी लेके चलती है, तो बड़ा जॉनसन खतरनाक मामला में भाई, आप इनको जीएल के लिए ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तानिया भाटिया की अगर बात करें दोस्तों, तो राइट हैंड बैटर है, 3 मैच खेलिए, 4 रन है दोस्तों, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वेन्यू पे 2 मैच खेलिए, 4 रन है, 4 एवरेज स्कोर है, रिसेंट परफॉर्मेंस बैक 4, 3 नबाद 1, कुछ नहीं है भाटिया यार, मजा खराब कर दी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला बात करें दोस्तों, तो मिन्नू मानी, तो लेफ्ट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है दोस्तों, 1 मैच खेली है, कुछ भी नहीं है, 0-0-0 सब कुछ 0 इनका, ठीक है, डेब्यू हो रहा लग रहा है, WPL मतलब 0 है ये याद रखिएगा, बाकी खेले होंगे। राधा यादव की बात करें, राइट हैंड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 3 मैच है, 0 विकेट है, 11.75 का इकोनॉमी, बड़ा खतरनाक, बहुत ज्यादा इकोनॉमी है दोस्तों, कह सकते हैं ट्विटर में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे 4 मैच है, 0 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, 0-0-0, बाप रे बाप, 1 विकेट और 0 विकेट, ठीक है, क्या ही खतरनाक है भाई। चलिए यहाँ पर अगला बात करते हैं, यहाँ पर शिखा पांडे, शिखा पांडे राइट हैंड बैटर, राइट आर्म मीडियम है, 3 मैच है, 2 विकेट है, 7.36 का इकोनॉमी दोस्तों, 8 विकेट में कुछ भी नहीं है, विंडो पे 2 मैच है, 1 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 0-1-1-2-0, ठीक है, इधर में 2-1-1-0, मतलब 1-2 विकेट का उम्मीद आप इनसे रख सकते हैं। जीएल के लिए चाहे तो ट्राई कर रहे थे, एसएल में तो भाई बहुत मुश्किल काम इनको लेकर चलना है, एसएल में अपने को फिक्स प्लेयर सही होता है यार, कन्फर्म कर सकते हैं। तारा नोरिस की बात कर, राइट हैंड बैटर, लेफ्ट आर्म मीडियम है, 3 मैच है, 6 विकेट है, 8.28 का इकोनॉमी है, हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, विंडो पे 2 मैच है, 1 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 1-0, 5 विकेट, 0-2-0 है दोस्तों, ठीक है, मतलब एक छोड़ के एक हमेशा 0-2, 0-5, 0-1, यहाँ पर भी अगला बार भी हो सकता है 0 जाए, नहीं तो फिर ज्यादा रन भी लेके जा सकती है, तो भाई ज्यादा विकेट भी लेके जा सकती है, तो जीएल के लिए आप कन्फर्म मान लीजिए, बाकी एसएल में तो भाई सोचना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि भरोसे वाला नहीं है प्लेयर भाई, कभी छोड़ दिए कभी पकड़ रहे, ये आपको बेंच प्लेयर आपको दिखाई देंगे दोस्तों आपके सामने, ठीक है। चलिए अगला नंबर अगर देखें,
तो स्टार्टिंग और डेथ ओवर जो कि बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग पे अगर बात करें तो शिखा पांडे मर जाने का और जैस जॉनसन रहेंगे। तारा है तारा नोरिस मर जाने का, जैस जॉनसन, शिखा पांडे, ये आपको डेथ कराते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगला नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम अपना फिर से आ चुका है, इसी पे आपको टीम दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ धुआंधार है ना, धुआंधार लाइक और कमेंट की बरसात, इससे क्या होता है अपने को मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है वीडियो आने में, सामने आने में। यार किसी को भी हो, हमारा मेहनत का फल यही है। ठीक है, जैसे आप टीम बनाते हैं, आपका टीम अच्छा नहीं चलता, इतना मेहनत किया कुछ नहीं, वही हाल मेरे साथ होता है। वीडियो हम बनाते हैं, आप जैसे वीडियो में लाइक कर दो बहुत अच्छा है, जब हम देखेंगे तो भाई बहुत खुशी होगा हमको, नहीं करेंगे तो मन दुख रहता है, इतना अच्छा वीडियो बना कोई मतलब नहीं बनना। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप टेलीग्राम पर चले गए हैं मगर हाँ जब भी पोस्ट आए तो कम से कम लाइक ये सब कर दिया करिए, बस कुछ नहीं लगना, बस एक बार बटन दबाना काम खत्म। आपके बटन दबाने से हमारे चेहरे पर खुशी आती है, सिंपल सी बात ये। अब आप चाहिए आपके ऊपर है, आप हमें खुश करना चाहते हैं कि दुख रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे हाथ में जो था हमने लाके दे दिया, अब वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है कि हम आपको जिता ही, हम अपने से फुल कोशिश करते हैं कि हम टीम अच्छा बना के आपको दें। ठीक है, तो हमारे हाथ में जो था हम कर दिया, आपके हाथ में अगर है हमें खुश करना तो आप करिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, खुश करने के लिए क्या करना है, एक लाइक कर दीजिए यहाँ पर बस हो गया, एक आग डाल दीजिए उसमें, दिल डाल दीजिए, हो गया काम करा। अरे किसी के एक लाइक से चेहरे पर खुशी है तो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा इसका टेलीग्राम का, जाइए फिर से ज्वाइन कीजिए उसमें। ठीक है, चलिए अगला नंबर अगर बात करें अपना टीम का जो कि अभी के लिए टीम है, तो यहाँ देख सकते हैं शेफाली वर्मा है, एम लिंगिंग है और एस शर्मा, एच देवल, सनी देवल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, कलर चेंज करना पड़ेगा। के गर्थ है और ए गार्डनर, एम काफ, ए कैप्सी, उसके बाद जॉनसन, जोशी और नोरिस। ठीक है, ये कुछ आपके प्लेइंग इलेवन है, हमारे टीम में भी शामिल है। ए गार्डनर को हमने कैप्टन रखा हुआ अभी के लिए, उसके बाद नोरिस को हमने बीसी रखा। मैं बता ना, नोरिस का बड़ा रिकॉर्ड खतरनाक है, कभी पाँच, कभी चार, तो कभी जीरो भी लग जाती है, इसलिए हमने इनको सीधा बीसी ही बना कर भी रखा हुआ अभी के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स होती है, जो चीज़ें आती है, इसमें हो सकता है नोरिस ना कर दूसरा खेल ले या कुछ अलग का, मतलब जो भी चीज़ें आ सकती है इसमें। बाकी टॉस कौन जीतता है, कौन आता है, उसके बाद अपना टीम सेटलमेंट होगा, वो टीम आपको टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री में दिया जाए, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी मांगे पैसा तो समझ लेना मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं आपसे पैसे की चार्ज नहीं करता, ना ही उम्मीद रखता हूँ, बस एक ही उम्मीद रखता अपने भाइयों से मैं, लाइक का और कमेंट करके वीडियो जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और आज का मैच कौन जीतने वाला, हम भी जानना चाहते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक कौन देखा। मैं चाहता था ये सवाल पहले ही पूछता, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो ये कमेंट करेंगे कि आज का मैच कौन जीतेगा, उससे पता चलेगा लास्ट तक हमको देखता कौन है। ठीक है, टाइम पास लोग करते हैं कि देखने आते समझ में आ जाएगा। ओके, जरूर कमेंट करिएगा, अपना पहचान छिपाइएगा मत, आपका पहचान इसी से होगा। ठीक है, कमेंट से होगा। ओके, बस वीडियो पसंद आए एक लाइक, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि यूट्यूब और यूट्यूब की दुनिया में दोस्तों आईपीएल में जो है ना धमाल मचा कर रख दे हम लोग। ठीक है, और धमाल मचेगा इस आईपीएल के लिए, हम पूरा तैयार है, आप पता तैयार है कि नहीं आप समझ लीजिएगा, देखना उसी से पता चल जाएगा कितना लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कितने लोग टेलीग्राम पे आते हैं, समझ में आ जाएगा कितने लोग तैयार हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।